हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में आप सभी को एओ का प्रीवियस ईयर में, जैसे कि 2013, 14 और 2016 में तीन एग्जाम हुए थे, तो इन तीनों सालों में इसका कट ऑफ क्या रहा है, इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही में दोस्तों, जो लास्ट टाइम 2016 का पेपर हुआ है, तो उस समय एग्जाम का लेवल क्या था, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका कंप्लीट एनालिसिस दूंगा। और 2024 में आपको कितना टारगेट लेकर चलना चाहिए जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। सो गाइज, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी के लिए छोटी सी अपडेट है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का जो एओ का एग्जाम है, वो आपका आने वाले 13 फरवरी 2024 को संपन्न होगा। इसके अलावा इसका जो असिस्टेंट का एग्जाम है, इसका ऑफिशियल एग्जाम डेट आउट हो चुका है 6 फरवरी 2024। ये दोनों नोटिस मैंने डाल दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 2014 में जो आपका एग्जाम हुआ था, तो उस समय दो फेज में आपके एग्जाम होते थे, एक आपका प्री था और एक मेंस। मेंस का जो पैटर्न है, पहले भी वही था और आज भी वही है, लेकिन प्री एग्जाम आपका एक एक्स्ट्रा था। यहाँ पर दोस्तों, आपके जो मेंस का कट ऑफ गया था, सबसे पहले सेक्शनल की बात कर लूँ 2014 में, तो रीजनिंग में 50 में से 17 मार्क गए थे जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी के लिए 12 मार्क्स था। इंग्लिश में 40 में से 11 मार्क्स जनरल का था, बाकी कैटेगरी के लिए 7 मार्क्स। क्वांट में 9 मार्क्स था जनरल के लिए आउट ऑफ 50। जीए में 10 मार्क्स था आउट ऑफ 40। और कंप्यूटर में देखोगे तो 15 मार्क्स था आपका सेक्शनल कट ऑफ आउट ऑफ 20। कंप्यूटर का सेक्शनल काफी ज्यादा है, तो इसलिए आप लोग रिस्क मत लेना, कंप्यूटर सेक्शन हो सकता है काफी ईजी आ जाए, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर होकर जाना है। जिन लोगों को नहीं पता कंप्यूटर कैसे प्रिपेयर करें, तो मैंने कल से ही आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा, कंप्यूटर फॉर बैंकिंग एग्जाम 2024, वहां पर जाना, आपको सारे क्लासेस एंड पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, आपका जो फाइनल कट ऑफ गया है 2013 और 14 में, वो देखिए। 2014 में कट ऑफ गया है 128 नंबर, ओबीसी के लिए 119 नंबर, एसटी के लिए 97 नंबर और एससी के लिए 111 नंबर, जबकि 2013 में ये गया है जनरल कैटेगरी के लिए 126 नंबर, ओबीसी के लिए 114 मार्क्स, एसटी के लिए 89 मार्क्स और एससी कैटेगरी के लिए 106 मार्क्स। ये था दोस्तों आपका 2013 एंड 2014 का कट ऑफ। फिर इसके बाद देखो, नेक्स्ट आपका 2016 आ गया, तो 2016 में आप कट ऑफ देख लो, फिर मैं आपको इसका एनालिसिस करवाऊंगा। जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी में हाइएस्ट कट ऑफ गया है जर्नलिस्ट के लिए, वो है 78.062, ये आपका हाइएस्ट मार्क्स है। लोएस्ट गया 67.37, ये दोस्तों आपका जो कट ऑफ है वो इंटरव्यू एंड मेंस दोनों को मिला करके है। फिर इसके बाद एक्चुअली का 57 गया हाईएस्ट, 50 गया है लोवेस्ट, लीगल के लिए 69 गया है हाईएस्ट आपका, 55 आपका लोवेस्ट कट ऑफ है, सिविल के लिए 78 हाईएस्ट गया था, 54 यहाँ पर लोवेस्ट है। ये सारी मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 67 आपका हाईएस्ट कट ऑफ है और 63 लोवेस्ट गया है। फाइनेंस में 68 आपका हाईएस्ट है और लोवेस्ट 59 है। ये वाला जो स्क्रीनशॉट है वो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में देख लेना, यहाँ पर बाकी सारे कैटेगरी के भी कट ऑफ मेंशन है। बात करते हैं दोस्तों, 2016 का जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे, तो देखिए ये रहा आपका एनालिसिस। यहाँ पर सबसे पहले देखोगे आपकी रीजनिंग में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां पर सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन आए थे। और दोस्तों, यहाँ पर जो सिलॉक्स का लेवल था वो आपका आईबीपीएस पीओ प्री लेवल जैसा देखने को मिला था। फिर इसके बाद एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आया था, जिसमें 8 पीपल बैठे हुए थे और इसके साथ कोई भी वेरिएबल ऐड नहीं किया गया था। फिर इसके बाद एक पजल आया था ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड फ्लोर का, और इसमें भी कोई वेरिएबल ऐड नहीं किया गया है। फिर इसके बाद एक पजल आया था डबल लाइनअप बेस्ड ऑन कार्ड एंड डेज, तो यहाँ पर आपका एक वेरिएबल ऐड किया गया था डेज एंड कार्ड का। सो आप देखोगे कि आपका जो भी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आए हैं, वो मैक्स टू मैक्स एसबीआई पीओ का जो प्री होता है, इसी लेवल का पूछा गया है, इससे ज्यादा हाईएस्ट लेवल आपको देखने को नहीं मिला है। फिर इसके बाद आपका एक इनइक्विटी का 5 क्वेश्चन आया था, इनपुट आउटपुट पूछा गया था, जो कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। फिर इसके बाद एक डेटा सफिशिएंसी आपके आएंगे, जो कि आपके ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन या फिर आपके चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड आ सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के आए थे। फिर एक आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आया था, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी के आपके 5 से 6 क्वेश्चन मिसलेनियस के आए थे। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट है आपका क्वांट, तो क्वांट भी आपके 50 मार्क्स के थे, जिसमें से एक आपका डीआई आया था लाइन ग्राफ का, जो कि बिल्कुल इजी था प्री लेवल जैसा, आपको केवल डेटा को डायरेक्ट कैलकुलेट करना था। एक आपका टेबल फॉर्म में डाटा इंटरप्रिटेशन आया था, जो कि मॉडरेट टू लेंदी था। एक्चुअली में यहाँ पर डीआई आपका ज्यादा लेंदी नहीं आया था, बल्कि उसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे और उसे सॉल्व करने में काफी टाइम लग रहा था। एक आपका डीआई आया था, जो कि 2 पाई चार्ट पर बेस्ड था,
मान लो इस प्रकार का डीआई दिया गया था, सपोज ये आपका एक स्कूल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक आपका डीआई दे देगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ वाइज रहेंगे। तो यहाँ से आपको गर्ल्स का डाटा कैलकुलेट करना है और फिर इस पर बेस्ड आपके 5 से 6 जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उसे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका 5 क्वेश्चन आया था नंबर सीरीज से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन और आपके 5 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के आए थे। इसके अलावा दोस्तों आपके जो अरिथमेटिक आया था इसका वेटेज लगभग 15 क्वेश्चन का था। तो आप इस एग्जाम में अरिथमेटिक को स्किप करके नहीं चल सकते क्योंकि डीआई एंड स्पीड मैथ्स बनाने के बाद अरिथमेटिक आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर आप एक बेटर मार्क्स गेन करना चाहते हो। तो अरिथमेटिक में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, SICI, रेशियो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम वर्क, एजेज वगैरह, मिक्सर एलिगेशन एंड परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे जिसमें से एक आपका RC आया था 10 क्वेश्चन का, फिर 5 क्वेश्चन क्लोजेस्ट का पूछा गया था, पारा जंबल आपका आया था 5 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड जो कि एरर स्पॉटिंग के आते हैं, इसके अलावा फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले 5 क्वेश्चन थे, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चन थे और फिल इन द ब्लैंक्स आपके 5 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों इंग्लिश का जो लेवल है वो यहाँ पर इजी साइड में देखने को मिला है, इसमें कैंडिडेट ने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए थे। नेक्स्ट जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो इसमें आपको लास्ट का 6 मंथ के GA पढ़कर जाने हैं। हालांकि दोस्तों GA का लेवल आज के दौर में काफी मुश्किल हो गया है, तो आप पहले से डेफिनेटली नहीं कर सकते कि आप इतना स्कोर कर ही लोगे, फिर भी जितना पॉसिबल हो सके आप GA पर ध्यान देना, और ज्यादा इस पर ध्यान देने की बजाय मैं तो यह सजेस्ट करूंगा कि बाकी जो आपके क्वांट रीजनिंग या फिर कंप्यूटर वगैरह हुए उस पर फोकस करो ताकि आपके उसी टाइम में ज्यादा मार्क्स गेन हो पाए। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर आ 20 क्वेश्चन का, तो कंप्यूटर सुपर इजी आया था, आप यहाँ पर देखो कट ऑफ भी आपका 12 नंबर 15 नंबर ऐसे जाता है आउट ऑफ 20। कंप्यूटर में आपके जो कंप्यूटर के बेसिक फैक्ट्स होते हैं टर्मिनोलॉजी उससे आएगा, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, इन तीनों टॉपिक से आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, ये आपके कुछ ऐसे 5-6 हॉट टॉपिक्स हैं जिससे आप किसी भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम में बैठो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था दोस्तों आपका लास्ट टाइम का एग्जाम का एनालिसिस, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अब देख लो यहाँ पर आपका कट ऑफ भी आपके सामने शो हो रहा है, 130 गया है दोस्तों आपका 200 में से, 110 गया है OBC का और ST का 90 गया है। तो कट ऑफ आपका हाई है, इसका मतलब यह है कि पेपर का लेवल काफी इजी होता है। इसका पेपर आप कैसे कंपेयर करोगे, तो ECGC के PO वगैरह जो एग्जाम होते हैं उसी के आसपास आपका पेपर का लेवल देखने को मिल जाएगा। अब इस बार दोस्तों अगर फिर से आपका पेपर का लेवल वैसा ही आता है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट टारगेट करो 140+ हर हाल में स्कोर करने का, अगर आपका पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है इसलिए पेपर भी थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बट आप कोशिश करना 140 के अराउंड, अगर इस बार का जो NIACL का EO का पेपर हुआ है अगर ऐसा लेवल रहता है तब आप 120+ भी करके आ रहे हो तो बिल्कुल सेफ रहोगी। हालांकि बिना एग्जाम हुए अभी सेफ स्कोर बताना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं आपको बस एक चीज सजेशन करूंगा कि आपके एग्जाम में अगर पेन पेपर नहीं रुकता है, आप लास्ट मोमेंट तक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हो, तो मान कर चलो आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया है, बस आपने उस पूरे पेपर के दौरान एक्यूरेसी मेंटेन की होगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपके जो भी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के अनुसार पूरा फोकस करो, पूरा यहाँ पर अटेम्प्ट लो और जो भी आपसे मैक्सिमम स्कोर हो सके उस एग्जाम में अपीयर करके आओ। सो गाइस ये रहा आपका कट ऑफ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको UIC AO एंड असिस्टेंट दोनों के लिए दे दूं, जिससे कि आपके लास्ट के 20 दिनों में किस प्रकार से तैयारी करनी है इसका कंप्लीट गाइडेंस हो। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें।